तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में, जहां पे आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने माय चाइल्ड लेस बेंस बॉन्ड्स की स्टोरी। और लास्ट पार्ट में जैसा कि मैं बोल के गया था शायद ही मैं गेम खेलूंगा, लेकिन उसके बाद जब गेम खेला आहा मजा ही आ गया भाई, क्या ही स्टोरी है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। और लास्ट पार्ट में जैसा कि आपने देखा था हम लोग ने इसे सुला दिया था, उसके बाद अभी हमारी हो चुकी है 18 अगस्त और हो चुका है सुबह। गुड मॉर्निंग क्लॉस की हलचल सत श्री अकाल। और अभी हम लोग उसका मुंह वगैरह थोड़ा साफ कर देते हैं, सुबह सुबह उठाया तो करना तो पड़ेगा ही नहीं थोड़ा बहुत साफ। और आज है इसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे क्लॉस। और आज यह हो चुका है 7 साल का और यह मुझसे पूछने में लगा हुआ क्या मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ। तो मैं भी बोल देता हूँ हाँ लिटिल बिट तुम थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हो, जैसे हम लोग बचपन में बोलते ना ना ऐसे ही है इसके हालात है अभी। तो आई एम अ बिग बॉय नाउ आई थिंक यू आर रियली। तो यह थोड़ा बड़ा हो चुका, मैंने भी इसका साथ दे दिया और सपोर्ट करते हुए कि हाँ कि तुम बड़े हो चुके हो। लिव ने इसे एक सरप्राइज दिया था, जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था हम लोगों ने वह सरप्राइज खोलने से इसे मना कर दिया था, लेकिन लिव ने आज एक लेटर भी भेजा है इसके लिए हैप्पी बर्थडे। तो अभी मैंने लेटर पढ़ लिया है, बेसिक सा लेटर है, उसने हैप्पी बर्थडे विश किया है अपने क्लॉस को और वह आ नहीं पाई, यह सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है लेटर के अंदर। और अभी हम लोग वह गिफ्ट खोलते हैं जो लिव ने इसके लिए दिया। तो लिव कौन है? लिव है इसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि अभी कहाँ गई हुई है, अपनी आंट के यहाँ गई हुई है। और अभी जो क्लॉस है ना वह मुझसे कहने में लगा हुआ है जल्द से जल्द मुझे इसका प्रेजेंट देखना है, लिव ने आखिरकार मुझे क्या प्रेजेंट दिया है। तो इसे खोल के देखते हैं और इसे मिली है एक बॉल। और अभी क्लॉस मुझसे बोल रहा है खेलने के लिए इसके साथ, तो चलिए खेलते हैं, बेचारा बच्चा है अपना ही बच्चा है, तो इसके साथ खेलते हैं थोड़ा बहुत फुटबॉल से, जो भी बॉल है फुटबॉल है बास्केटबॉल है जो भी बॉल है उससे खेलते हैं मस्त। ये ले पकड़ क्लॉस मुझे भी पास कर। तो अभी हम लोग बॉल के साथ खेल चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने बॉल से खेल लिया है। अब क्लॉस का नेक्स्ट क्या विचार है भाई यही पूछने में लगा हुआ है मुझसे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा खा लिया जाए, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, भूख भी लगी होगी तुझे, तो इसे हम लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाते हैं। तो पेट तो इसका भर चुका है फुल। और अभी यह मुझसे बोलने में लगा हुआ है कि जो लिव है उसकी मम्मी उसके लिए केक बना के दी थी, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो केक। तो मैंने कहा कि मैं भी तुम्हें केक दूंगा, तो अभी उससे पहले मैं इसे बोलता हूँ कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा उसके लिए, हम लोग साथ में मिलकर केक बनाएंगे। तो अभी हमें बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा उसके पहले, क्योंकि हमारे पास केक का मटेरियल नहीं है जिससे केक बनती है। तो यहाँ पर शॉप कौन सी है, यह येलो वाली जो शॉप है वहाँ वह, मुझे लग रहा है फ्यूचर में इसका स्कूल होगा। तो चलते हैं यहाँ पर। और केक का सामान कहाँ है? अच्छा 60 रुपए का भाई, हमारे पास पैसे कितने थे 200 के करीब थे कुछ, तो अभी हमारे पास सिर्फ 140 रुपए बचे हुए और हम लोग केक का सामान ले चुके हैं। चलते हैं घर की तरफ और बनाते हैं लाजवाब केक जिसे खाते ही उंगलियां चाटना पड़ेगा। अच्छा क्या हो गया तुझे, कहाँ खेलने लग गए थे? तो अभी यह गंदा होके आ चुका है, तो इसे हमें थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करवाने पड़ेंगे वार्डरोब से। तो अभी कौन से कपड़े पहना जाए, अभी इसके पास एक ही कपड़े तो है ना, यही वाले हैं रेड वाले। तो अभी हम लोगों ने इसके कपड़े वगैरह भी चेंज करवा दिए। तो अभी हम लोग चलते हैं केक बनाने के लिए। और मैंने इससे बोला कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, ऐसी गंदे मंदे कपड़े करके मत लाना। तो अभी हम लोग किचन की तरफ चलते हैं और बनाते हैं एक मस्त सा केक। आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव नेवर हैड टू मेक अ केक बिफोर। तो अभी 7 साल के हो तो मैं कहाँ से कुकिंग आती होगी, मुझे पता नहीं कुकिंग आती है। वैसे मुझे रियल लाइफ में थोड़ी बहुत आती है बेसिक सा सामान वगैरह बनाना, जैसे दाल हुई चावल हुई सब्जी हुई ये वगैरह बनाना आता है, लेकिन इसमें तो बहुत इजी है गेम में, इजी पीजी लेमन स्क्वीज, यहाँ पे बस लेफ्ट क्लिक करो और केक बन के तैयार। टाइम फॉर माई बर्थडे पार्टी, चलो केक खाते हैं, केक बन चुकी है इसी के साथ। अच्छा बताओ कैसी लगी तुझे केक? मंच मंच मंच। तो इसे केक अच्छी लगी, आई लाइक केक, योर केक इज़ द बेस्ट। तो इसे हम लोग थोड़ा बहुत गिफ्ट देते हैं, हम लोगों ने इसे भी गिफ्ट लेके रखा था, देखते हैं गिफ्ट के अंदर आखिरकार मैंने क्या दिया। ओ ड्राइंग पेंसिल्स, तो क्लॉस ने मुझसे ऐसा मांगा होगा कभी, ड्राइंग पेंसिल्स का जिक्र किया होगा और हम लोग इसे जिक्र के जरिए समझ गए कि इसे ड्राइंग पेंसिल चाहिए और हम लोग इसे लेकर आ गए। ओ आई नो ए न्यू एंट्री हैज मेड इट टू अ फोटो एल्बम, तो अब हमारी जो बर्थडे मनाए ना तो फोटो एल्बम में इसके फोटो की मस्ती खींची होगी।
तो अभी यह मुझसे बोल रहा है चलो हम लोग कुछ ड्राइंग किया जाए। तो हम लोग आ चुके हैं इसके रूम में ड्राइंग वगैरह करने के लिए, और इसने मुझे एक मस्त सी सीढ़ी बना के दी जहाँ पे झूला वगैरह जैसे बचपन में हम लोग बनाया करते थे ना, वैसे ही एक नदी पहाड़ वाली इसने भी उसी तरह से कुछ बना के दिया। आई लव माई न्यू पेंसिल्स, तो इसे हमारे जो गिफ्ट है वह पसंद आया, और मैंने इससे यही भी बोला कि यह जो पेंसिल्स है तुम्हें स्कूल वगैरह में भी काम आया करेंगी। तो यह बोल रहा है कि क्या हम लोग थोड़ा और देर तक जा सकते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और मुझे इतनी जल्दी अपना बर्थडे ख़त्म नहीं करवाना। तो हम लोग इससे बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर और जाग सकते हो, तो चलो फिर हम लोग कहानी भी सुनाएंगे जागते जागते इसे, मस्त सी नाइट टाइम स्टोरी। उससे पहले कुछ और बोलना चाहते हो छोरे? तो अभी मुझसे यही बोलने लगा कि इसे पूरा दिन भर में मज़ा आया, और अगर लिव होती यहाँ पे तो और मज़ा आ जाता। और यह अब मुझसे बोल रहा है कि मुझे और प्रेजेंट मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने कहा जो है उसमें खुश रहना सीखो, जितने प्रेजेंट मिले उसी में खुश रहो ना, काहे को ग्रीडी बनना चाहते हो। तो अभी यही सब बात हुई। अब हम लोग लैंप करते हैं बंद, लेकिन उसके पहले मुझे एक स्टोरी तो सुनानी पड़ेगी ना। तो अभी हम लोग एक मस्त सी से स्टोरी सुनाते हैं, कौन सी सिंड्रेला वाली सुनोगे या कौन सी चाचा चौधरी वाली सुनोगे बेटे? तो यहाँ पे स्टोरी सुन ली, सो जा मेरे बेटे। तो अभी हो चुकी है संडे एंड इट्स फंडे। हेलो क्लॉस, की हालचाल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो स्कूल होने वाला है इसका स्टार्ट ट्यूसडे को। तो अभी मैं इससे पूछता हूँ कि क्या तुम एक्साइटेड हो अपने फर्स्ट दिन के लिए? तो इसने कहा हाँ मैं पूरा एक्साइटेड हूँ फर्स्ट दिन के लिए। तो अभी सबसे पहले खाना पीना खाया जाए। क्या है हमारे पास खाना पीना? अच्छा यही सेम टू सेम खा रहे दो रोज के रोज ब्रेड वगैरह है। आज ब्रेड खाते हैं, अभी हम लोग वो चावल टाइप के कुछ खाने में लगे हुए थे, लेकिन आज हम लोग इसे खिलाएंगे ब्रेड। लेकिन इसे ब्रेड भी पसंद नहीं आया, ये क्या हाल है? अच्छा ऐसे मस्त सा टेस्टी खाना खाने का है, ये ब्रेड मेड इसे पसंद नहीं आ रहा है। तो अभी शायद मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, इसलिए हम लोग पैसे भी नहीं कमा पा रहे। अब हमारे पास फ्यूचर में जॉब मिलेगी तो हमें बच्चे के साथ उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर की तरफ। और यह मुझसे अभी बोलने में लगा हुआ है कि तुम्हें रोज़ के रोज़ यह चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं किसी जंगल की तरफ और वहाँ पे कुछ माल पानी कलेक्ट करते हैं खाने पीने का, और फिर हम लोग उसे बना के खाएंगे और पेट पूजा करेंगे अपनी। और मैं अभी आ चुका हूँ थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कि कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट निकली है जॉब वगैरह की, जैसा कि भी बोला गया था मुझसे। तो यहाँ पे यह एक फैक्ट्री है जिसे चाहिए एक कुछ बंदे वर्कर से ये काम करने के लिए। तो एक मस्त सा लेटर लिखा जाए रिज्यूम के लिए कि हम लोग आने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हैं, इससे पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा है तो लाइफ चलेगी, पैसा नहीं है तो किसी काम की नहीं है लाइफ। कौन बोलता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस? पैसा हो तो सब मिल सकता है भाई, हैप्पीनेस भी। और सब कुछ उनसे पूछो जो रोज़ बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, खाना नहीं मिलता उनसे, उनसे जाके एक बार पूछो कि उनके पास कौन सी हैप्पीनेस है। और जिसके पास पैसा है वह खुश है, यही है ना, कोई नहीं। ये सब पुराना होता था कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसा है तो देखो गेम खेलने के लिए मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जो करना है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, खाना भी मस्त भर भर के पेट भर के खाएंगे कुछ भी। तो अभी हम लोग ज्ञान ना पे लेंगे ज़्यादा, और सीधा यहाँ पे गेम पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या क्या है हमारे पास, कुछ मशरूम्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किए इसके साथ मिलकर। और मुझे एक चीज़ ये मस्त लग रही है, ये देखो ऐसे गुदगुदी हो रही है, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ और खुश हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, ये एक नंबर लगा मुझे ये देखो। तो अभी हम लोग मशरूम्स वगैरह कलेक्ट करके वापस अपने घर की तरफ आ चुके हैं, और क्लॉस हो चुका है थोड़ा बहुत गंदा, तो इसे हम लोग थोड़ा नहलाते महलाते हैं। और इसे नींद भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि हम लोग दिन भर बाहर रहे, इतना सामान कलेक्ट किया। तो अभी हम लोग चलते हैं इसे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने। उससे पहले इससे पूछते हैं कैसा रहा तुम्हारा डे? हाँ आई वॉज ड्राॅइंग टूडे एंड आई हैड एन आइडिया। तो यह मुझसे बोल रहा है कि आज हम लोग जो ड्राइंग बना रहे थे उससे मुझे एक आइडिया आया, अगर हम लोग वही ड्राइंग बेच के आपकी हेल्प कर सके पैसे कमाने में तो कैसा लगा? ये कितना मासूम सा है, उसकी ड्राइंग कौन ही खरीदेगा ऐसी सड़ी सी ड्राइंग? वैसे बच्चे वाली ड्राइंग कौन ही खरीदेगा, पता नहीं आर्ट वाले बंदे क्या ही समझ के ड्राइंग खरीदते हैं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। जो म्यूजियम वगैरह होते हैं ना, करोड़ों करोड़ों की ड्राइंग बेची जाती है वहाँ पर। लेकिन मैंने इससे कहा थैंक यू कि तुमने ऐसा सोचा मेरे लिए, और अभी तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे इसी के साथ, और लिव आज वापस आ चुकी होगी,
और हमें एक जॉब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। इसी के साथ वी आर हैप्पी टू ऑफर यू ए जॉब एट दी फैक्ट्री, और फाइनली हमें यहाँ पे एक जॉब मिल चुकी है। अब हम लोग पैसे के साथ खाना पीना भी और अच्छा अच्छा खा सकेंगे। तो यह मुझसे पूछा है कि वह ईमेल जो लेटर आया था, ईमेल नहीं है, ईमेल के ज़माने में ईमेल ही ईमेल सुन रहा हूँ, जो मेल आया था उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैंने इससे क्या दिया, जो मेल में जॉब के बारे में लिखा हुआ था कि मुझे जॉब मिल चुकी है, तो यह भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। अभी क्लॉस जो मुझसे पूछा है कि इसे कब जॉब मिलेगी आखिरकार, तो मैंने इससे कहा कि फ्यूचर पहले तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस माईएएस बनो, जब जाके तुम्हें जॉब मिलेगी। तो अभी हम लोग वापस से चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की तरफ। वो यह रहा हमारा न्यूज़पेपर, आज देखते हैं क्या न्यूज़ आई है। इन द न्यूज़ स्काई बाउंड कॉन्फ्लिक्ट वेपर कोरिया समझ नहीं, तो किसी काम की नहीं है वह न्यूज़, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अभी खाना पीना खिलाते हैं इसे, भूख तो लगी हुई है इसे, तो कितना खाना बचा हुआ है, रोज़ के रोज़ फिर से खाना पड़ेगा कि ब्रेड खाओगे या चावल खाओगे, चावल टाइप की है ना ये, या फिर क्या है, ओम नम 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 ऐसे खाने में लगा हुआ है। तो क्लॉस मुझसे अभी बोला है कि मेरे कुछ कपड़े और में कुछ होल्स वगैरह हैं, अगर वह फिक्स कर दिए जाएंगे तो वह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसे वैसे कपड़े पसंद नहीं हुआ। तो अभी क्लॉस जा चुका है क्लिप के साथ खेलने के लिए। अभी हम लोग इसके कपड़े की थोड़ी ये सिलाई वगैरह करते हैं। देखो यहाँ पे कट्स वगैरह लगे हुए हैं, होल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे और कपड़े भी पड़े हुए हैं। यह रहे, ये मस्त हो गया एक नंबर। और यहाँ पे क्लॉस अभी शायद वापस आ चुका है। लिव इज फनी, आई हैव a drawing फॉर यू, सी इफ यू कैन फाइंड इट। चलो इसकी ने एक ड्राॅइंग छुपा के रखी हुई है कहीं पे, हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग वह ड्राॅइंग ढूंढ सकते हैं या नहीं। यह मेरे साथ गेम खेलने में लगा है, छोरे। तो इसकी ड्राॅइंग देखा जाए कहाँ रखी है, लौंडे कहाँ है, इस रूम में भी नहीं है। यह तो ये इसका वह रहा है एल्बम, जो अभी बर्थडे वाली, यह रही फोटो जो बर्थडे वाली से हम लोग प्रेजेंट दिया था, कहीं भी नहीं दिख रही मुझे, कहाँ छुपा के रखी है। अरे ऐसी कहाँ छुपा दी, बाथरूम में भी नहीं है। अरे लौंडे ऐसा कहाँ छुपा दिया तूने। तो पहले सब लोग, हम लोग जो कपड़े ऊपर काम कर रहे थे वह कर लिया जाए, पहले पूरा तैयार कर लिया जाए, जो होल्स मोल्स थे वह ठीक कर लिया जाए पूरे तरीके से। ये लोग इसके कपड़े पूरे फिक्स कर दिए हम लोगों ने, और अभी इसी के साथ हो चुकी है रात। तो ऐसे स्लीपी फील कर रहा है, इसे नींद आना शुरू हो गई है क्लॉस को अपने, तो चलो इसे सुलाने के लिए जाए। ओह हो यहाँ पे छुपा के रखी है तूने, तो आई वंडर व्हाट इट विल बी लाइक एट स्कूल। तो कल इसका स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम लोग इससे बोलते हैं कि मज़ा आएगा पूरा स्कूल में, तुझे कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा मस्ती करना, अपना पूरा ट्राई करना, वर्कआउट करने की कोई तुम्हें टॉप रैंक करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, 60-70% मार्क्स दे आना, उसी में खुश रहेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग रात में एक मस्ती सी से स्टोरी सुनाते हैं और इसे सुला देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हो चुका है ट्यूसडे, आज है इसका स्कूल जाने का टाइम। एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ब्रो, हाउ आर यू फीलिंग, आई एम स्टार्टिंग स्कूल लाइक अ बिग बॉय। तो मैं इससे पूछता हूँ कि आर यू रेडी फॉर योर बिग डे, तो यह बोल रहा है आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू गो टू स्कूल। और यह मुझसे बोल रहा है कि आज मेरा फर्स्ट डे भी है जॉब का, जैसे जो हम लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना। अब यह बोल रहा है कि मुझे एक स्कूल जाना है, तो स्कूल के लिए बैकपैक तो लगेगा, और इसने एक शॉप में एक बैग देखा था। तो मैं इससे बोल देता हूँ कि हम लोग खरीदेंगे, लेकिन तुम्हें उससे पहले स्कूल में अच्छा करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मुझसे बोल रहा है कि मैं पूरा ट्राई करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा, वर्क हार्ड करके पूरा मेहनत करूँगा। तो अभी हम लोग खाना पीना से नाश्ता देते हैं थोड़ा बहुत, यह लो नाश्ते और मज़े करो। तो इसी के साथ नाश्ता मास्ता कम्प्लीट हो गया, अभी हमारे पास खाना नहीं बचा है, खाना खरीद के लाना पड़ेगा वहाँ से स्टोर जाके, जो ग्रोसरी स्टोर है। अभी मैंने इसका मुंह वगैरह भी साफ कर दिया, यहाँ पे मैं ये पढ़ने क्यों आ गया। तो यहाँ पे जल्द से जल्द चलते हैं स्कूल की तरफ, और यह थोड़ा नर्वस वगैरह फील कर रहा है, काहे को नर्वस आ रहे हो लौंडे, तुझे आज मज़ा आने वाला है स्कूल में। तो अभी यह मुझसे पूछने में लगा हुआ है कि आप मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आओगे, तो मैं इससे बोल देता हूँ कि नर्वस मत हो, तुम अपना बेस्ट ट्राई करना, वर्क हार्ड करना। और ये चॉइस ने क्या किया, हार्डन दी क्लॉस हार्ड। तो ये मतलब इस पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग कैसी चॉइसेस ले रहे हैं, उस तरह से क्लॉस हमारे ऊपर बिलीव करेगा। तो यह मुझसे बोल रहा है कि अब स्कूल में मुझे से लिप भी मिलेगी, उसके साथ हम लोग टाइम भी स्पेंड करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं स्कूल की तरफ,
इसे छोड़ते हैं स्कूल में, हम लोग चलते हैं फैक्ट्री और यहीं पे टाइम खराब। और अभी हो चुकी है सुबह से रात और हम लोग चलते हैं, ओवर टाइम तो करना नहीं है। उसका पूछेंगे कि क्या लगा फर्स्ट डे में, तो मजा आया कि नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे और क्लॉस भी घर पे हमारा इंतजार करने में लगा हुआ था। आई होम, हेलो क्लॉस, कैसा रहा है पहला दिन स्कूल का बताइए जरा। स्कूल वॉज स्ट्रेंज, आई वॉज ट्राइंग टू मेक सम फ्रेंड्स। ओके ब्रो, व्हाट द एफ, क्या हो रहा है स्कूल में? अरे वो तो सिर्फ बात करना चाह रहा था उन बच्चों से, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की। उन्हें ऐसे पैसे देख रहे थे, घूर रहे थे जैसे दूसरे प्लेनेट से आ रहा हो। अब वो क्लॉस मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। मैंने कहा था कि स्कूल में तुम्हें मजा आएगा, सब कुछ करोगे, अब तो ये मेरे ऊपर विश्वास ही करो। बैकग्राउंड म्यूजिक देखो कितना सेट से चला दिया इन लोगों ने। अब मैं इसे क्या ही बोलूं, अब मैं इससे ये बोल देता हूँ कि जब वो तुम्हें लोग समझ जाएंगे तो शायद वो अच्छे से बिहेव करेंगे तुम्हारे साथ, देखते हैं क्या होता है आखिर। लेकिन आज का चलो दिन निकला, चलो खाना पीना खाया जाए, नहाया महाया जाए, गंदे तो हो ही गए, चलो पहले नहा लो जाके। ओके तो इसे होमवर्क भी मिला है स्कूल में, अब इसे होमवर्क भी करवाना है हमें। अभी खाना पीना भी खाने का है, तो अभी नहाने के बाद पहले होमवर्क करवाते हैं, वह जरूरी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इसे होमवर्क करवाने के लिए। इफ लिन एंड पियर इच हैड एन एप्पल, देन लिन हैड गिवन पियर फॉर हर एप्पल। अच्छा तो क्या आगे क्या बोलो, हाउ मेनी एप्पल फॉर, एक ही होगा ना लॉन्डे, इतना ईजी सा है। चिंदी क्वेश्चंस, यस दैट वाज अ नाइस, सोचा था सही सोचा था तूने। नेक्स्ट क्वेश्चन के है, इफ पियर देन एट वन ऑफ हिज एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स वुड ही हैव लेफ्ट। एक खा लिया उसने अपना, दो थे उसके पास, एक ही बचेगा ना, इजी पीजी बच्चों वाले। जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो पियर की मम्मी है वो है चार एप्पल्स लेके आए, एंड सी टेल्स पियर कि आपस में डिवाइड कर लो एक दूसरे के, तो दो दो एप्पल डिवाइड हो गए आपस में बराबर बरोबर। देन हाउ मेनी एप्पल्स वुड पियर एंड गिव टू लिन, दो। तो यहाँ पे हमारा शायद इतनी क्वेश्चन थी, बट पियर ऑलरेडी हैड टू एप्पल्स फ्रॉम बिफोर। क्या ही बच्चे वाली चीज है, मतलब वो भी देखो कितना शरीफ सा बेचारा, कैसे पूछा है कि उसके पास पहले से दो एप्पल है, और दो दे के क्या करेंगे। तो चलो अब खाना पीना खाना है कि नहीं, चलो खाना ले रहे जाना पड़ेगा, मेरे पास खाना नहीं बचा। और पैसा कितना है, पैसा ठीक ठाक है, खाना लेते हैं, यही आज राइस वाला लेना पड़ेगा। और देखो ओ भाई बैग भी है यहाँ पे, बैग का, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, बैग खरीद लेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, फिर भूखे बैठे रह जाएंगे, फिर बैग तो बाद में आ जाएगा, पहले खाना जरूरी है। तो अभी हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने घर की तरफ, अब इसे ले चलते हैं खाना खाने के लिए और फिर सुला देंगे, फिर देखेंगे कुछ हमारे पास मेल वगैरह आया या नहीं। और इसी के साथ रात ढल चुकी है, तो यह इतना ज़्यादा थक चुका है क्लॉस कि वह एक हफ्ते तक सो सकता है बोल रहा है। इवन द टीचर मिसिंग काइंड ऑफ मीन, मतलब टीचर भी इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, व्हाई? या यू आर राइट, आई जस्ट गॉट कीप ट्राइंग। अब इसे एक स्टोरी सुना देते हैं मस्त सी और फिर से सुला देते हैं। बाय बाय क्लॉस, सो जाओ, हैव अ नाइस स्लीप, हैव अ नाइस स्लीप। तो अभी हो चुका है 22 अगस्त, पेरेंट्स डे, वी गेट द रेस्ट ऑफ आवर बुक्स सून। अच्छा तो इसे कुछ बुक्स और मिलने वाली स्कूल से। अरे बैकपैक की याद मत दिलाओ, पैसा नहीं है, मैं दिला दूंगा, इतनी काहे को हो रहे हो। अब एक तो मेरे पास अभी इतना नौकरी भी नहीं है, ज़्यादा कहाँ मिलता है नौकरी में, भी जो भी है वो भी खर्चा हुआ जा रहा है खाने पीने पे अपने, तो खाना पीना जरूरी है। लेकिन हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दिला दूंगा, तो मैंने से यही सब बोल दिया है। अभी न्यूज़पेपर पढ़ा जाए थोड़ा, न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है अभी पढ़ते जाके, क्या मेल है ये पूछ रहा है, बी गॉट मेल तो बोला लेकिन है क्या है, चलो देखते हैं। धड़ा फुल स्पीड से पढ़ते हैं मेल। अरे स्कूल बैग का ही एडवर्टाइजमेंट है, इन्हें कैसे पता चल गया यहाँ पे, कौन से अमेजोन की एल्गोरिथम काम कर रही है भाई। जैसे अमेजोन वाले वो भेजते ना एडवर्टाइजमेंट, जब भी कुछ अमेजोन वगैरह पे देखो, पे गूगल वगैरह या यूट्यूब पे देखो, सेम टू सेम एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा है, 1945-1940 के करीब चल रहा है ना ये टाइम, 1950 के करीब समथिंग चल रहा है। तो यही बोल रहा है कि सबके पास बैग है लेकिन मेरे पास बैग नहीं है, तो मैं इससे बोल देता हूँ कि बहुत ही जल्द तुम्हें बैकपैक मिल जाएगा मेरे छोरे। तो हाँ मिलेगा, इतना काय को बेसब्र हो रहे हो।
और इससे मैं यह बोल देता हूँ कि अगर तुम स्कूल में अच्छा करोगे और अपनी वर्थ करोगे कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तो मैं तो पक्का बैकपैक दिलाऊंगा। अभी हम लोगों ने ऐसे स्कूल भी छोड़ दिया, फैक्ट्री का भी काम होने लगा, और इसी के साथ आज का दिन भी समाप्ति की ओर, और चलते हैं घर की तरफ भैया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस की। हेलो क्लास, अरे यार क्या चल रहा है स्कूल में? कौन है बच्चे? इसने किसी बच्चे ने इससे कहा कि बास्टर्ड बैड वर्ड बोला इसके सामने, भी 7 ही साल का है बेचारा। मैं इससे बोलता हूँ कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली से अच्छी है, उसने ये भी कहा कि तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है। क्या कौन सा स्कूल है भाई, कंप्लेंट करनी पड़ेगी इन लोगों की, बुली कर रहे हैं 7 साल के बच्चे को। और वह अभी उससे क्वेश्चन पूछने लगा कि उन सबके मम्मी पापा है लेकिन मेरी मम्मी कहाँ गई, और ये पूछने लगा कि मेरे पेरेंट्स कौन है। अब मैं इसे क्या ही बोलूँ कि क्या हुआ था इसके बाद, मुझे भी नहीं पता अभी तो, और इसे क्या ही मतलब भी नहीं पता उस बर्ड का, बास्टर्ड का, और मुझसे पूछने लगा हुआ है यही सब चीज़ें। मैंने इससे बोल दिया बाद में बताऊँगा, अभी तुम छोटे हो उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन यह बोला नहीं मुझे जानना है, आई डोंट एग्री। यह मुझसे बोला है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स का पता लगाना पड़ेगा। अब वो प्रॉमिस मांग रहा है मुझसे, अब मैं इससे क्या ही बोलूं, कहां से मैं इसके पेरेंट्स ढूंढ के लाऊं? एडॉप्ट किया था, कॉन्टेक्टलेस बायोलॉजिकल मदर। ओके, तो मतलब हम लोग इसकी जो मदर है उसे हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी मदर पता नहीं क्या ही की थी, किस लिए छोड़ दी, शायद उसके पास पैसा मैसा नहीं होगा इसलिए छोड़ के चली गई थी। तो अभी हम लोग इसे बैकपैक लेने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि वह वैसे ही दुखी है क्लॉस, उसे गालियाँ मालियाँ पड़ रही है स्कूल के अंदर। तो मैंने एक बैकपैक खरीदा, इससे कम से कम खुश तो हो जाएगा वह है। तो खाना पीना भी लेना पड़ेगा, खाना पीना लाना भूल गए थे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ और इसे देते हैं गिफ्ट। व्हाट्स दैट? इट्स अ सरप्राइज क्लॉस, इट इज, इट खुश होने वाला है पूरा छोर है मेरे, पूरा खुश। इसी के साथ यू गॉट वन जस्ट लाइक यू प्रोमिस्ड, नाइस। कम से कम खुश तो हुआ, स्कूल में पता नहीं क्या ही हो रही है इसके साथ हरकतें, उन स्कूल वालों के साथ कुछ करना पड़ेगा। इसे बैग पूरा पसंद आया, और हाँ क्लॉस नाउ यू ट्रस्ट मोर, यानी क्लॉस मेरे ऊपर अब ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस किया था वह करके दिखाया, नाइस। तो अभी हम लोग क्लॉस को अपने खाना पीना खिला देते हैं, स्कूल से आया पता नहीं खाया पिया भी या नहीं, मे बी गुड पी प्ले अ बिट। चलो हाँ, ये वो मुझसे पूछा है कि थोड़ा बहुत खेलते हैं हम लोग, तो चलो हाइड एंड सीख खेलते हैं, हाइड एंड सीख खेलने में मज़ा आएगा, तुम छुपना मैं तुझे ढूंढूंगा। जैसे पिछली बार पेंटिंग छुपाई थी ना अपनी जो तूने बनाई थी ड्राइंग, इस बार मैं ट्राई करूंगा पूरा ढूंढने का। कहां जा छुपे रे लौंडे? हेलो क्लॉस, इधर हो क्या? हेलो, ये रहा, ये कहां छुप रहा था पर्दे के पीछे बेचारा। तो अभी हम लोग चलते हैं, रात हो चुकी है, सुलाना पड़ेगा इसे। चले क्लॉस सोने के लिए, ये देखो ये मुझे मत लगता है, इसके ऊपर क्लिक करो ना गुदगुदी इस टाइप की होती है और हंसता है। अब ये बोल रहा है कि स्कूल बहुत अलग है जो मैंने सोचा था, जो दूसरे बच्चे वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये अब मुझसे बोल रहा है कि नई चीज़ें सीखूंगा तो वह शायद मज़ा आएगा मुझे। तो मैं इससे बोलता हूँ कि स्कूल में सीखने के लिए जाना पड़ता है, और अब यह मुझसे बोल रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, यही सब चीज़ें चल रही है, जो है रोज सोने से पहले बातें करता है, आई एम प्रिटी बिग नाउ, मैं ये बहुत बड़ा हो चुका है लौंडा। तो अभी मैं इससे बोल देता हूँ कि तुम्हें अपनी चॉइसेस को लेना सीखना पड़ेगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो गाइस अभी जो क्लॉस है हुआ है मुझसे यही सब बोलने में लगा हुआ है कि मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए माफ़ी, जो मैंने पेरेंट्स वगैरह ढूंढने के लिए कहा, आप ही हो मेरे जो हो, और बस यही सब बोल के अभी मैं इसे सुला देता हूँ, बहुत बातें हो गई वरना सोए फिर उठ नहीं पाएगा स्कूल के लिए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो कुछ अच्छा लगा हो ना तो अभी के वीडियो पर लाइक कर दीजिए, अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो 2 डिसलाइक कर सकते हैं। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।